कि कोई सेटिंग वेटिंग है, कोई गर्लफ्रेंड है? यार न्यूज वालों का यही तो मैं परेशान हूँ, कहीं बैठा के पटक रखा जब भी तो डर है मेरे तेरे। जमाना आ रहा है उसमें लड़कियाँ कम पड़ेंगी और लोग रंडवे रहेंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस पहली बात तो ये बताओ तुम्हें तो कैसे पता लगेगा मेरी शूटिंग कहाँ चल रही है, तुम तो पीछे पीछे कैसे आओ? एक गांव ऐसा है जिसमें मैं पैदा हुआ, अगर मेरी कोई सेटिंग होती तो मैं आदमी की ओर थोड़ा ही ना बनाता। ये मेरी मैं नौरंग सर की बहन का रोल प्ले कर रही हूं। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया। पीछे नहीं जाएंगे, प्रधान जी तो आगे होना चाहिए। दर्शक ना कहते ये पूछ लो। नहीं है सेटिंग, नहीं है। रखा मैं सोचते रहा था मगर नाई उसका नाई का किरदार है, यूं कुर्सी पे खड़ा होके मेरे बाल काटते हैं। जी बिल्कुल, मालिश करने में बाल काट रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। तो मेरा बयान नहीं होता और मेरे तक कोई ना था इतनी भुंडी शक्ल को पसंद करता। तो ये आज तक तुकबंदी बैठी ना, पर कभी ना कभी तो होगी। हम भी कर रहा हूँ आदमी को औरत बनाने का, तो मैं ठेडे सी तो लड्डू हूँ। मैं शरीर में तो बेटे तेरा भी डायलॉग कटेगा। बालक नंदों के सामने हम क्या कहेंगे? आई ही वैसे शिकायत करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 27 इंडिया, मैं यश कौशिक और इस वक्त हम पहुंचे हैं कहरका गांव में। ये जो आप यहां की तस्वीर देख रही है ये वही गांव है जो नौरंग पहलवान का है और यहां फिल्म की शूटिंग चल रही है। आप रेड मारेंगे नौरंग की शूटिंग पर जाकर, आखिर कौन सी फिल्म की शूटिंग है? मारी गए तुम बने रहो। अब तो मैं दिखा दें, यहाँ पे पूरी टीम खड़ी है, इनको हमारे बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन सीधी रेड मारेंगे जाके। राम राम जी। राम राम जी। और ठीक हो? हाँ ठीक है भैया, आप बहुत बढ़िया। हम तो और हमेशा ठीक ही रहे हैं, भगवान की दुआ है। पता लगा कि तारी फिल्म की शूटिंग हो रही है, सोचा आज डायरेक्ट ही रेड मार दे। बस पहली बात तो ये बताओ तुम्हें तो कैसे पता लगेगा मेरी शूटिंग कहाँ चल रही है, तुम पीछे पीछे कैसे आओ? ऐसा कौन सा तार जुड़ा हुआ था अर्थ मेरा? तार नहीं जुड़ता, मीडिया वालों का और कलाकारों का हमेशा साथ रहता है, क्योंकि प्यार इतना होता है। मैं अक्तम जहाँ भी शूटिंग करूँगा हमें तो पहुँचना पड़ेगा। तो बताओ सबसे पहले हमारे दर्शकों को, सबसे पहले तो राम राम कर दो सारी टीम भैया, सभी को राम राम। और न्यू 27 का आप हम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ पधारने का, हम उनका स्वागत करते हैं, आई लव यू। अब न्यू बताओ हमारे दर्शकों को कि तुम यहाँ गांव में शूटिंग कर रहे हो, तो यू कौन सा गांव है? यू मेरा गांव है कैर का गांव है, मैं कैर के रहने वाला हूँ और मैं मुझे खुशी है इस बात की और मैं धन्य हूँ इस धरती पे पैदा हुआ। मतलब पूरे भारत का एक गांव ऐसा है जिसमें मैं पैदा हुआ। अच्छा। और ऐसा तो सभी अपने हैं भारत, लेकिन गांव एक ऐसी चीज़ होती है, गांव गांव ही होता है हर आदमी। लेकिन एक बात और बता दूं मैं कि किसी न्यूज़ में हमने बोल दिया था कैरके का नाम, तो पब्लिक यहाँ दुखी हो गए, 100-200 आदमी रो जावे। सबसे पहले तो मैं पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, भाई ये मेरा पैतृक गाँव है जहाँ मैं पैदा हुआ था और मैं मुझे बहुत खुशी है मैं यहाँ पैदा हुआ। दूसरी बात, मैं दिल्ली रहता हूँ, जिसे मिलना है मेरे तो दिल्ली मिलो, मोस्ट वेलकम, सारे स्वागत। मिलने मिलने की बात तो बाद में होगी, सबसे पहले न्यू बताओ फिल्म की शूटिंग कौन सी हो रही है? फिल्म की शूटिंग हो रही है जुगाड़ू फेरे। अच्छा। और ये लेडीज प्रधान फिल्म है, मतलब लेडीज के ऊपर है, जो लड़कियाँ कम हैं और आज जो अगला जो जमाना आ रहा है उसमें लड़कियाँ कम पड़ेंगी और लोग रंडवे रहेंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर है ये और हम चाहते हैं कि सब सबके बेटी हों और बेटी को लिखाओ पढ़ाओ और बड़ा करो, बेटी तो होगी जभी तो हम हैं। यानी कि लेडीज़ प्रधान के ऊपर ये फिल्म शूट हो रही है? अच्छा, तो इसमें मैन किरदार मैम का है किसी और का है? मैन किरदार प्रिया, ये हीरो तो मैं हूँ। अच्छा, हीरो तुम हो? चलो, हीरो से थोड़ी बाद में बात करेंगे, काफ़ी होगी। नाम क्या मैम आपका? प्रिया सिंह। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, जितने भी न्यूज़ के थ्रू हमें देख रहे हैं, और मैं प्रिया सिंह और मैं इसमें लीड कैरेक्टर वो कर रही हूँ, प्ले कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छी मूवी है जो हम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है और आप लोग देखो एक बार तो अच्छा लगेगा, और सर के साथ काम करके वैसे ही अच्छा लगता है, बहुत हंसते रहते हैं। तो जैसे तुम शूटिंग वूटिंग करो तो हंसी तो छूटती होगी, डायलॉग खूब छूट गया, हम तो परिवार है हमारा, हम तो खूब हंसे। अच्छा, अब नहीं बताओ, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, पूरी टीम को मज़ा आ रहा हो गर्मी में? पूरा मज़ा आ रहा, वैसे भी गर्मी बहुत है पूरा। डायरेक्टर साहब का भी करेंगे, उससे पहले जो प्रधान बनी हुई है उनसे बात कर लेते हैं, कहाँ है?
ये वाली है। प्रधान जी तो आगे होना चाहिए, प्रधान पीछे खड़ी है। हेलो नमस्कार, आप मैम नाम बताओ सबसे पहले। सर मेरा नाम प्रीति शैणी है और मैं गुड़गांव से सेक्टर 20 से बिलोंग करती हूँ। बेटी मैं यहीं की हूँ, शामली की, मैं वहाँ पे रहती हूँ। तो ये बताओ हमारे दर्शकों को, तब मैं इसमें प्रधान का रोल मिला है तो इसमें क्या संदेश लेडीजों के लिए क्या है, क्या आपको अच्छा इसमें क्या लगा? पहली तो बात मेरे को यही अच्छा लगता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि आज के टाइम में बेटी सबसे आगे है। और बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दो, क्योंकि बेटी आज की टाइम में पीछे नहीं है। और यही है यार, ये फिल्म में काम करके अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मेरी फर्स्ट मूवी है। हाँ जी, राजेंद्र जी के साथ। तो भाई देखो यहाँ पे हीरोइन भी काफी सारी खड़ी हैं। तो राजेंद्र जी एक सवाल और करेंगे, कमेंट आए थे कि आपकी कोई सेटिंग वेटिंग है, कोई गर्लफ्रेंड है? यार न्यूज वालों का यही तो मैं परेशान हूँ एकदम, हर सवाल हर बार यही सवाल करते हो। और मैं कह रहा हूँ आज तक मेरी कोई सेटिंग ही नहीं है। दर्शक कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। दर्शक ना कहते यही पूछ लो। नहीं है सेटिंग, नहीं है, नहीं है भाई, ये तो गलत बात है। तो सर आपका नाम? मेरा नाम राजबीर से है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। तो ये हमारे हरीश जी हैं, प्रोड्यूसर कावेरी ग्रुप्स के। तो एक बार बम्बई आए थे, उन्होंने हमसे चर्चा करी कि एक वेब सीरीज बनानी है तो आप आइए। तो हमने आके पिछले एक महीने से इस पर वर्क कर रहा था, मैं अब शूटिंग शुरू करी इसकी। जी हाँ, इस फिल्म को डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। तो ये बताओ सर, आप तो मुंबई से आए हो, आप तो बना बॉलीवुड कहना फिल्म इंडस्ट्री से निकल कर आए हो, तो यहाँ गाँव में आकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ कर। मैं सरप्राइज़ कर रहा हूँ कि इतनी आसानी से कोई बिकर झंझट के शूटिंग लगातार चली जा रही है। नहीं तो जनरली इतनी आसानी सुविधा जो मिली है, ये नौरंग जी जो हैं हमारे, राजेंद्र जी, इनकी वजह से मिली है। इनका बहुत बड़ा सहयोग है, इनका गांव है और गांव का हर व्यक्ति हमको सपोर्ट कर रहा है, छोटे से बड़ा। तो काफ़ी आनंद आ रहा है। अच्छा, ये दूसरे डायरेक्टर है। सर नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया। पीछे नहीं जाएंगे, डायरेक्टर साहब है, डायरेक्टर को आगे होना चाहिए। अच्छी बात है। डीओपी है, यस, सिनेमाटोग्राफर। तो सर ये बताओ, जैसे डीओपी आप यहाँ कर रहे हो फिल्म के अंदर राजेंद्र जी, तो क्या कहना चाहेंगे, इनके गाँव में शूटिंग हो रही है, इनके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। फर्स्ट दिन तो हमें थोड़ा मुश्किल होता है सेटल वगैरह करने में, बट अभी बहुत बढ़िया लग रहा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है जी। हाँ जी, मस्त मस्त सब लोग ये पी हैं। अच्छा, इनसे बात करेंगे, इधर आइए आप। आपके लिए तो थोड़ा कैमरा भी पीछे करना पड़ेगा, देख के पीछे हुए आ रहा है सेट। दोस्तों नमस्कार, नाम बताओ सबसे पहले अपना। नाम है मेरा जोगिंदर प्रजापति। अच्छा, जोगिंदर प्रजापति भाई का नाम है, क्या किरदार है आपका इसमें? नाई का रोल है जी मेरा। नाई का रोल है, आपने तो बिल्कुल वही कर रखा है, मैं सोचता रहा था मगर नाई उसका नाई का किरदार है, यूं कुर्सी पे खड़ा होके मेरे बाल काटते हैं। वैसे हाइट तो आपकी भी कम है पर ठीक है, आप इससे बहुत ज्यादा है कि कुर्सी पे चढ़ के जब मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं तो यूं मेरे बाल कुर्सी पे काटता है चढ़ के, इसका सिर नहीं पहुँचता वहाँ। तो ठीक है, किरदार अच्छा है इसका, बढ़िया लड़का है। तो मजा आ रहा है बाल बाल काटने में? मजा आ रहा है जी बिल्कुल, मालिश करने में, बाल काट रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। बाल लेकिन पिक्चर बनाने में भी बड़ा मजा आ रहा है जी। गर्मी में भी आ रहा होगा? अजी गर्मी में, गर्मी के फुल आनंद, बाल पूरे आनंद दे रहे जी हम। तो भाई नौरंग उस्ताद जी का अभी एक फिल्म रिलीज हुई है, कल हुई ना? हाँ, तो उसमें इनका एक डायलॉग था वो कि मैं आदमी को औरत बना के अपने पास रख लूँ। हाँ, नहीं तो वो ये हमारी राज बहादुर कल रिलीज हुई है और बहुत तगड़ी फिल्म है और एकदम बेहतरीन चल रही है। प्रताप कुमार इसमें हीरो हैं और मैं सेकंड लीड में हूँ। तो मज़ा आया उस फिल्म में भी और उसमें एक डायलॉग था। अब देखो सेटिंग के नाम पे एक बात याद है कि अगर मेरी कोई सेटिंग होती तो मैं आदमी की ओर थोड़ा ही ना बनाता। ये बात भी है, ऐसी बात तो मेरा बयान ही होता और मेरे तक कोई ना तो इतनी भुंडी शक्ल कोई पसंद करता और ना सेटिंग हुई मेरी आज तक, और हो भी जाए कोई मुझे पसंद ना आती। जो मुझे पसंद करे मैं उन्हें पसंद नहीं करता, जो मुझे पसंद करे मैं उन्हें पसंद नहीं करता। बात ये हो रही है, फिर तो होनी ही नहीं, सही बात है। पसंद कर रहा हूँ वे पीछा छुटा ले, वे मुझे पसंद नहीं करती, तो ये आज तक तुकबंदी बैठी ना।
पर कभी ना कभी तो होएगी, हम भी एक ना एक दिन तो होएगी। हाँ होएगी। तो उसमें एक डायलॉग था, प्रताप आए करे डॉक्टर हम दोनों, और वैसे तो मैं लोंडिया बहुत पटाऊंगा से जो भी कली लिखी में आवे, मक्का तेरे ब्याह हो रहा, तेरी शादी हो रही, पर कोई पटती ना। लास्ट में जब मैं दुखी हो जाऊँ तो मैं कह रहा हूँ भाई वो आवे डॉक्टर, मैं सोच रहा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नहीं कभी क्या देख रहा, मैं कहा यार मैं नू कह रहा हूँ मेरा ब्याह तो कोई करता नहीं, ना मेरा ससुराल ही होता दिखे, पर मैं एक काम करना मान रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आदमी को औरत बनाने का, अगर आदमी की औरत बनेगी ना तो मेरा ब्याह नहीं होता, तो मैं आदमी को औरत बनाकर अपने घर में रखूँगा और बस रोटी बनाओगी मेरी और सारी सेवा करेगी मैं। तो यो भी ठीक ही होया, अन्ना जितने आदमी खड़े सब औरत बना, पर वो बनी नहीं, कोशिश बहुत करी पर बनी ना, लास्ट में दुखी होकर हमने काम, पर देखूंगा मैं करूंगा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कि आदमी की औरत बना मैं जरूर। खेत वेत तो आपके होंगे, ये सब हमारे ही है, गांव हमारा, खेत हमारे, ये गांव हमारा, खेत हमारे, ये आदमी हमारे, कहाँ गया वो? अच्छा ये खेत भी हो गए आपके, आदमी इधर हो गए, अरे ये खड़े हैं जो, ये गाड़ी भी खड़ी है हमारी गाड़ी, हाँ हाँ ये बैल है हमारा, हाँ और ये सब है, हाँ हाँ तो मैं ठेडे सी तो लडूं, मैं शरीर में तो हल्का हूँ, आज आज मुकाबला करवा दे, यू मन ने कई बार ठेक पटक रखा, अभी तो डरा है मेरे तो, यकीन है आपको पटक सकते हैं, आपको क्या लगता है ये पटक देंगे? नहीं ये बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती होगी भाई आपकी, आप पटक ही नहीं सकते, लग दूँ वहाँ क्या लगा, बोले बोले नहीं आपकी पहलवानी बेकार, बेटे तेरा ये डायलॉग कटेगा, कोई बात नहीं। आ जा चाचा, पहली बात तो ये हमारे चाचा हैं, पहली बात तो ये कि मैं लड़ता नहीं अपने भारत वाले लोगों से, तो हमें प्यार है, भारत वाले तो अपने ही भाई हुए, हाँ कोई लड़ाना है तो पाकिस्तान का ले आओ, चाइना का ले आओ, बांग्लादेश का ले आओ, एक सेकंड नहीं लगने दो, 20 आदमी से कम लड़ू नहीं, हाँ वैसे युद्ध चल रहा है, छूट है, पर अपने तो अपने ही होते हैं, बाकी सपने होते हैं, ये भी हमारा चाचा, इसका मुँह दिखाओ, मुँह दिखाओ चाचा, चाचा राम राम, राम राम जी राम राम, पसीना ना कह घर से अपना खेत में क्या, खेत में भाई किसानों का बहुत ज्यादा मेहनत है, तो चाचा नु बताओ हमें नौरंग जी आज स्टार हो रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा जब ये बचपन में थे तो शरारती थे या अभी आगे हुए? नहीं पहले से आराम ही काम जानी बात तो हम जानते ही नहीं, सामने हम क्या कहेंगे, आई ही वैसे शिकायत करी, लड़कियों की शिकायत नहीं आई, लेकिन तो वही तो पूछ रहे हैं, छोटे बच्चों को छेड़ता बहुत था, हाँ पीटता बहुत था शुरू से ही, तो ये थी दूसरी बात, ये मजाक वाली बात थी, लेकिन सबसे हमें, हम हीरो नहीं हैं, असली हीरो जो हैं हमारे देश के फौजी, जो माइनस में, गर्मी में, तूफान में, और हमारे देश के किसान, मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, पर मैं अगर 10 मिनट काम कर लूँ खेत में तो मुझे पता लग जा कि तेरी हालत बुरी होगी, जो लोग काम करते हैं खेत में, और फिर और दो तीसरे हीरो हैं, वे हैं पुलिस वाले, मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ, हमेशा से मैं इनका फैन रहा हूँ, वे फौजी कहते हैं मैं नौरंग का फैन हूँ, मैं हर फौजी कहता हूँ मैं आपका फैन हूँ, जय हिंद जय भारत। तो भाई शूटिंग के जो अभी मतलब इनकी चल रही है, अच्छा प्यार देना इनका, जल्दी आ जाएगी, वैसे कब तक हो जाएगी रिलीज़? ये डायरेक्टर साहब बताएंगे, डायरेक्टर साहब कब तक लग रही है उम्मीद? सोचे 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मतलब जो फिल्म हमारी है प्यार देना, और मेरे साथ पूरी टीम अब बोलेगी लास्ट में जय हिंद जय भारत।